24 न्यूज इन इंडिया के लिए वेब चैनल इन चीफ विनोद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के थाना गुन्नौर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का एक साथी फरार हो जाने में कामयाब हो गया। एसपी संभल ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और पुलिस को फरार बदमाशी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पतरिया रोड पे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इधर से निकल रहे हैं, जिसकी घेराबंदी की गई। इनको रोकने का इशारा किया गया लेकिन रुके नहीं। इन लोगों ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक एसआई देवेंद्र घायल हुआ। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ और उसको अभी इलाज के लिए भेजा गया है हॉस्पिटल में। अभी जो पता किया गया है, बेसिक जानकारी उसके बारे में मिली है, वो जाकिर उर्फ चूहा करके नाम है उसका, और 14-15 केसेज उसके लूट और CS एक्ट के मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था वो हमारे थाना नखासा क्षेत्र से। 15,000 का इनामिया ये अपराधी है, लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था। अभी उसको घायल हुआ है, हॉस्पिटल भेजा गया है, और हमारा SI भी जो घायल हुआ हॉस्पिटल गया है, और बाकी उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। उसकी कॉम्बिंग जारी है। एक बाइक सफ़ेद अपाचे मिली है और एक तमंचा मिला है, कई सारे कारतूस मिले हैं। इन सभी को अभी ऑन स्पॉट उसको पैक किया जाएगा, फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। बाकी कॉम्बिंग जारी है, उसके साथी की तलाश की जा रही है। अकेला ही था सर साथ में कोई? एक साथी और था, उसका मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है, कॉम्बिंग चल रही है। ठीक है सर, धन्यवाद।